कमी हमें महसूस हो रही है लगातार, लालू जी और शरद जी, अगर शायद ये दो शख्स अगर संसद के अंदर होते तो जो ये लीला चल रहा है, मनु लीला और जनम लीला और पूंजी लीला, इन पे अंकुश जरूर लगा दिया हो क्या होता। लेकिन उस परंपरा की करीब तेजस्वी जी ने और मनोज जी ने आगे संभाला है, बढ़ाया, और मुझे उम्मीद है कि वो आगे इसको बढ़ाएंगे। साथियों, आज मैं शुक्रिया के मूड में हूं और शुक्रिया देते देते अपनी बात कह रहा हूं कि मेज थपथपाऊ सांसदों का भी शुक्रिया। मेज थपथपाऊ सांसदों और मंत्रियों, विशेष रूप से दलित अनुसूचित जाति और जनजाति सांसद और मंत्रियों, रामविलास जी, अठावले जी और महामहिम राष्ट्रपति जी का भी शुक्रिया। उस जनऊ बिल पे पेश करने वाले सांसद कलौसा दलित, प्रधानमंत्री कथित पिछड़ा, मेरे सबसे जोर से मेज थपथपाने वाले रामविलास जी, सुने बीमार थे और संसद में आ नहीं रहे थे, उस दिन पता नहीं कौन सा ऑक्सीजन लेकर आ गए, बोले थे नौवीं अनुसूची में डालो। अठारहवें साहब मंत्री जी, सब लोग का मेज थपथपा रहे थे, इसलिए कि इन्होंने ही बाबा साहब को सही साबित किया है। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जब पूना पैक्ट हुआ था तो बाबा साहब रोए थे और बोले थे कि ये मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी हार कि इस पूना पैक्ट के बाद जितने हमारे दलित समाज के नेता होंगे वो अपने व्यक्तिगत मुक्ति के लिए जमात की मुक्ति को बेच देंगे, वही हुआ है संसद। इसीलिए मैं शुक्रिया में अदा कर रहा हूं कि उन्होंने बाबा साहब को सही साबित किया है कि पूना पैक्ट के बाद चिट्ठार्थी नेता ही पैदा हुए, खासतौर से दलित, रीढ़ वाले नेता तो आएंगे नहीं। तो जब संसद में आ जाते हैं तो 40 साल पहले बोले थे कि भाई मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा था, और पता नहीं दिया जलाते जलाते अपने घर में ही थर्मल पावर हाउस लगा दिए। और वही बोल रहे हैं कि अंबेडकर साहब ने उनके पावर हाउस की, अंबेडकर साहब ने क्या किया, आरक्षण तो हमारे पप्पा लाए थे। और वही कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तो आर्थिक आधार पे होना चाहिए का तो सबसे पहले आप ही को जो है रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए थे, हाजीपुर रोसड़ा, और आप जो है जमुई छोड़ दीजिए, हम वहां पे किसी गरीब दलित को और रीढ़ वाले दलित को लड़ाएंगे, सीधी सी बात है। तो नहीं, कि ये बात समझना है कि पूरी लीला चल रही है, और लीला कुछ इस तरह से बहुत सिंपल शब्दों में आपको रोस्टर भी हम बता देंगे और जो 10% जो आरक्षण है ये भी बता, ये जो 10% जो आरक्षण आया है इसके पूरे बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है। पिछले चार साल में चाहे रोहित बोमुला हो, चाहे ऊना हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे रेल ट्रेन का बिकना हो, चाहे रोस्टर हो, या 10% आरक्षण हो, जनऊ आरक्षण, इसको मैं जनऊ आरक्षण कहता हूं, ठीक है, कि ये घटना नहीं, चाहे लालू जी का ये खिलाफ साजिश हो, चाहे संजय यादव पे हमले हो मोतिहारी यूनिवर्सिटी में, चाहे दलित बैकवर्ड को मारा जा रहा हो, चाहे दोस्तों ये सब जो है अलग अलग आपको दिख सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, ये घटना नहीं संकेत है कि जो लोग सरकार में आए उनकी आस्था संविधान, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, ये तमाम बहुलतावादी स्वरूप इस भारत के, उसमें इनकी दिलचस्पी नहीं है, इनकी दिलचस्पी है मनुस्मृति में है। तो 4 साल से मनुस्मृति तो हमने देखा नहीं था, लेकिन ट्रेलर हमने देख लिया फिल्म का, अभी टीजर चल रहा है, अगली बार आ गए तो आपको सही में पूरा फिल्म दिखा देंगे, अभी तो ट्रायल टेस्टिंग चल रहा है, ट्रायल टेस्टिंग चल रहा है।
मोहन भागवत ने कहा था बिहार चुनाव के समय कि हम संविधान और आरक्षण की समीक्षा करेंगे। लगातार इस कॉर्नर से आ रहा, उनके पास संविधान बना हुआ है, ऑल्टरनेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और ना आपको रखना चाहिए। तो संभले जैसे कहते हैं ना कि आचार्य द्रोण जंगल में थे, अंगूठा काट लिए। तो आपको लग रहा है कि आचार्य द्रोण जंगल में होगा तो गलत। आजकल आचार्य द्रोण मेट्रो सिटी में रहते हैं, यूनिवर्सिटी में ज्यादा रहते हैं, फाइव स्टार होटल में खाना खाते हैं। वो अंगूठा इससे नहीं मांगे, प्यार से यहां से काट ले। तो संविधान की समीक्षा थोड़ी ही आपको लिख के देगा कि संविधान की समीक्षा करेंगे। ये सब जो हम बता रहे हैं, मोदी सरकार में सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ध्वस्त कर दिए गए। चाहे सीबीआई देख लीजिए, सीबीसी देख लीजिए, सीआईसी देख लीजिए, यूनिवर्सिटी देख लीजिए, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, ये सारे ध्वस्त किए जा रहे हैं। तो ये आपको कह के नहीं करेगा, यही बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जनेऊ लीला है, जनेऊ लीला है। बोलेगा कुछ और करेगा कुछ। तो ये सारे जो घटनाएं हो रही है, इस संविधान की समीक्षा ही हो रही है और कुछ नहीं। इसको अगर समझ रहे हैं तो आप यह समझ लीजिए कि उसी तरीके से है कि कबूतर अगर रेत में अपनी आंखें छुपा ले और सोचे कि बिल्ली नहीं खाएगी, तो एक गलती जो है बिल्ली का नहीं है, ये कबूतर की गलती है। तो हम लोग कबूतर हैं, समझ लीजिए। ये सरकार आमादा है इस देश के तमाम संसाधनों को बेचने के लिए, ये सरकार आमादा है मुसलमानों को मारने के लिए। इस पूरे घटनाक्रम में मनोज जी बैठे हुए हैं, उनको याद नहीं दिला देते हैं, और राजेंद्र बाल गौतम साहब भी हैं, हमारे बड़े भाई जी भी हैं। ये पूरे डिस्कोर्स में कहीं भी राजेंद्र सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी कहीं नहीं विमर्श में आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है ये सवाल कौन पूछेगा? ये सवाल ये हमें ही पूछना है। वो कमेटी, वो कोई पाकिस्तान में नहीं बनी थी कमेटी, या बांग्लादेश में नहीं बनी थी, भारत सरकार ने ही बनाई थी। और उन्होंने मुसलमानों के बारे में जो रिकमेंडेशन दिया था, क्या इस संसद में उस पर चर्चा होगी या नहीं होगी, ये तय करना। लेकिन लीला देखिए, लीला में आपको गैर कर दिया पूरा पूरा डिस्कोर्स ही। क्या नंबर दो कि जो 10% आरक्षण है आया है अभी, ये कुछ नहीं है, सीधा और सीधा संविधान पर हमला। जेएनयू में मैं बोल रहा था, कई छात्रों ने हमसे पूछा कि क्या अगर इसमें एससी एसटी ओबीसी के गरीब बच्चों को मिटा दिया जाए लोगों को, तो आप तैयार हो जाएंगे? हमने एकदम नहीं तैयार होंगे, इसके हम खिलाफ है। और खिलाफ इसलिए है कि क्या गारंटी है हमारे लिए, सोशल जस्टिस जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट सेक्युलरिज्म भी है, उतना ही इंपॉर्टेंट पुरुलिज्म भी है। उसमें विश्वास करने वाले लोग हैं, इस बात को समझना चाहिए। सोशल जस्टिस के लिए नहीं लड़ रहे, हमारे लिए माइनॉरिटी इस देश का उतना ही महत्वपूर्ण है, उसकी रक्षा सुरक्षा, उसका रोजगार भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारी क्लैरिटी है। इसलिए एससी एसटी ओबीसी के साथियों, जो आपको फरमाए कि 10% आरक्षण से आपका कुछ नहीं जाने वाला है, आपको गलत समझा रहा है, आपका भी उसमें से जा रहा है। साथ साथ उनके भविष्य की तैयारी है कि मुसलमान के खिलाफ आपको हिंदू बना के खड़ा करेगा। इस साजिश को समझिए, इस साजिश को समझना है कि संसद पर तो आतंकवादियों ने हमला किया, लेकिन इस बार जो हुआ है ये आर्थिक आधार पर आरक्षण, जब बाबा साहब अंबेडकर थे और नेहरू जी थे उस समय भी चर्चा चली थी, लेकिन संसद ने इसको सीधे से खारिज किया कि संसद पर तो आतंकियों ने हमला किया। लेकिन इस बार हमला हुआ अंदर से हुआ है, और इस बार डेमोक्रेटिक तरीके से संविधान, संसद के अंदर संविधान की हत्या का पहला जो है ये प्रयास शुरू हो गया है। इसलिए हम 10% जनेऊ आरक्षण के खिलाफ। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, आरक्षण प्रतिनिधित्व है। अगर सिर्फ ब्राह्मण को इस देश में सारी नौकरी दे दी जाए तो क्या उनका पूरा कंपनी सब ब्राह्मण को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं। साथियों कोई सर्वे हुआ, हम मांग कर रहे हैं इस मंच से कि आप सामाजिक आर्थिक सर्वे सेंसस कमिश्नर के अंडर में करवाओ, पता लगाओ कौन जात के साथ कितना जमीन है और कितना संपदा है, तब पता लगाओ, तब जब जानेंगे बगैर किसी आंकड़े के
तो मान्यवर ये लीला में समझता हूं डेस्परेशन, पांच चुनाव हार गए और अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो डेस्परेशन में आपने रोस्टर की लीला, 10% आरक्षण की लीला, तो 19 में आज की ये तारीख, आज का ये प्रोग्राम, ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये महासंग्राम का आगाज हो रहा है। आपको सरकार सरकार गरीबी उन्मूलन के तमाम सैकड़ों कार्यक्रम में कुछ और चला लीजिए। अडानी अंबानी को किसने अधिकार दिया कि पूरा देश लूट लेने के लिए आरक्षण, इतना मोहब्बत है गरीबों से। एक काम करो, हम SC ST OBC वाले अलग हट जाते हैं, पहले प्राइवेट सेक्टर में अपर कास्ट के लिए गरीब आदमी का आरक्षण लगाओ, तब जाने ना। हम चाहते हैं कि गरीब अपर कास्ट के गरीब लोगों को 50% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लगाओ, 50% करेंगे हुजूर। तो ये ड्रामा, ये लीला, ये नौटंकी हम लोग समझते नहीं है क्या? सब समझते हैं साथियों। बहुत सारे स्पीकर से एक पॉइंट और, इसलिए 10% आरक्षण का हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसमें फंडामेंटल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और यह तानाशाही हिंदुवादी सरकार की ओर ले जाने वाला कदम है, इसीलिए हम इसके खिलाफ। दूसरी बात, जो रोस्टर का है ये भी एक लीला ही है, सीधा और सीधा समझिए कि रोस्टर और कुछ नहीं है, ये भारत सरकार का IAS ऑफिसर बुलाइए सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और यहां मैं बोर्ड लगाता हूं, अगर वो रोस्टर से हमको समझा दे कि कैसे जो है सोशल जस्टिस पूरा हो जाएगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैं नौकरी रिजाइन करके यहां से चला जाऊंगा। ये रोस्टर फिक्टिशियस है, ये लीला है, इसमें बेईमानी है, इसलिए हम रोस्टर व्यवस्था के ही खिलाफ है, रोस्टर व्यवस्था के खिलाफ है। अब पूछे कैसे, आप सवरवाल केस बार बार कोर्ट होता है, तो सवरवाल केस माने मानवर प्रधान जी और जो न्यायालय में जज बैठे हुए हैं उनको ये सवरवाल केस टोटालिटी में पढ़ना चाहिए था। उसमें क्या लिखा है निर्णय, आपको सिंपल समझा रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि अब अपॉइंटमेंट होगा वैकेंसी बेस्ड नहीं होगा, पोस्ट बेस्ड होगा, नंबर 1। ठीक है भाई, जो ये पोस्ट बेस्ड रोस्टर इज पोस्ट बेस्ड, लेकिन दूसरा लाइन है, मेरे पास कॉपी है, अभी टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको पढ़ के सुना देता। दूसरा लाइन लिखा हुआ है कि वैकेंसी बेस्ड रोस्टर तब तक चलना चाहिए जब तक SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन पूरा ना हो जाए। और प्रधान जी आप जरा डेटा तो निकालो, चाहे हर सरकारी से खाली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा मैं, यूनिवर्सिटी तो रणभूमि बना हुआ है मनु बाल और अम्बेडकर वाद का, ये चुनौती हमारी है कि आपसे लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बहुत बढ़िया, ये आप पहले आंकड़ा निकालो, सवरवाल केस को ही हमको उसी पे बात करते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी में ग्रुप ए सर्विसेज में ऑल सेक्टर्स में SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन पूरा हो गया है क्या? जब नहीं हुआ है तो पोस्ट बेस्ड ये लीला क्यों कर रहे हो? ये हमें मत घुमाओ रोस्टर के जाल में, रोस्टर के रार में हम ना फंसने वाले हैं। हम रोस्टर व्यवस्था के खिलाफ है। मनोज जी बैठे हुए हैं, तेजस्वी जी आए, उनको ब्रीफ कीजिएगा, कुछ कागज मैंने लाया। हम वैकेंसी बेस्ड नौकरियां चाहते हैं, वैकेंसी बेस्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 आया तो सीधा 100 इधर और 100 इधर, और उसमें अगर 10 आदमी आपके SC ST OBC जनरल में कंपीट कर गए तो जनरल में ही माने जाएंगे वैकेंसी बेस्ड रोस्टर में, वैकेंसी बेस्ड अपॉइंटमेंट। अब इसकी लीला मैं समझा रहा हूं पोस्ट बेस्ड का। 13 पॉइंट और जो रोस्टर चल रहा है भारत में, इसके हिसाब से क्या है, 9 पोस्ट जो है वो सीधा और सीधा सवर्ण आरक्षण है और कुछ नहीं। सवरवाल केस में लिखा हुआ है कि जो SC ST OBC मेरिट में जाएगा उसको मेरिट में कंसिडर करना है, दूसरा नंबर पॉइंट है। लेकिन मेरे पास तो मेरिट है, मैंने बहुत सारी किताब लिखी है, चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पूछते हैं, प्रोफेसर बनाओगे ओपन में? नहीं बनाएगा वो, तो रिजर्व में भी हमको रखने में प्रॉब्लम हो रही है उनको, ये पता नहीं हम भी लीला कर देंगे है? तो जब रिजर्व पूरा करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे। तो उस समय जो पोस्ट बेस्ड है कि 3 OBC 1 SC और ST का तो समझ लीजिए नंबर ही नहीं है, अगर 13 अपॉइंटमेंट हो गए
और 30-30 साल नौकरी का तो 400 साल बाद जो है एसटी का नंबर आएगा, 400 साल बाद आएगा। तो 400 साल इंतजार कीजिए सामाजिक न्याय। मोदी सरकार ने 50,000 भावी के एससी एसटी ओबीसी प्रोफेसरों की हितों की हत्या कर दी है। यह है इसमें खेल, यह है खेल। अगर 50,000 पास होते उसमें से 5,000 इंटेलेक्चुअल्स निकलते तो इस देश का पॉलिटिकल ज्योग्राफी हम लोग बदल देते। तो ये लीला आरक्षण को खत्म करने की। अब पोस्टमेस्ट में क्या है, जैसे आईएएस के एग्जाम में 10 आपके बच्चे अगर मान लिए कि जनरल में कंप्लीट कर गए तो आपको तो लगेगा कि जनरल में क्या, लेकिन अगले साल जब वैकेंसी आएगी तो आपको एससी एसटी का जितना जनरल में जाएगा उससे नंबर घटा देगा, कम कर देगा। इसीलिए 50% से ज्यादा आपको बढ़ने ही नहीं देगा कभी। यही लीला है उसमें, यह बात हमको हम लोग समझ नहीं पा रहे। अब मैं रोस्टर पर रिसर्च करने लगा हूं। मैं अब इसमें आर्टिकल लिखूंगा कि रोस्टर के ना हम सब कोई भारत भर में चक्का जाम हो जाना चाहिए, चक्का जाम हो जाना चाहिए। हम रोस्टर नहीं चाहते हैं, हम रोस्टर नहीं चाहते हैं, हमको वैकेंसी बेस्ड अपॉइंटमेंट कराना है। 50% चाहिए और जो हमारे जनरल में जो लोग जाएंगे जनरल में उनको कंसिडर करना चाहिए। साथियों ये बात है, साथियों लंबा बोल चुका हूं लेकिन दुष्यंत की 2 लाइन के साथ मैं इसको खत्म करना चाहता हूं। इस बीच में से 1-2 लाइन, हर गली हर शहर, हर गली हर शहर, बाकी आधा मनोज जी पूरा करेंगे बात। हर गली हर शहर हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। उठिए जागिए, जब पूरे शहर में बम गिर रहे हो तो आप कितना भी अपना घर बुलेट प्रूफ बना लेंगे आप ही नहीं बचेंगे। ये लड़ाई आपकी नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, आपके बच्चों की लड़ाई है। वही आप कहा करते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो संसद आवारा होने का कगार पे है, मनोज जी भी बीच में बैठे हुए पकड़ने के। तो संसद आवारा होने के कगार पे है, इसलिए अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान अपने बच्चों के भविष्य के लिए सड़क को पार दीजिए, तभी आप भी बचेंगे और आपका भविष्य बच्चों का भविष्य ही बचेगा। शुक्रिया साथियों, जय हिंद।